आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत की एक नई रेसिपी, आलू बॉन्डे की रेसिपी, यानी व्रत का बटाटा बड़ा लेके आई हूँ। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं आलू, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 मिर्च मैंने ली थी हरी, वो मैंने बारीक कट कर ली हैं, और मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है। उसके बाद मैं आलू को कद्दूकस करे ले रही हूँ, आप चाहें तो अपने हाथों से अच्छे से फोड़ लें। तो मैं यहाँ पे कुछ आलूओं को कस ले रही हूँ और कुछ आलूओं को मैं हाथ से अच्छे से मैश कर लूँगी, इससे कि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप जो व्रत में ऑयल लेते खाते हैं आप वो यूज़ करिए, मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है वो मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है, मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाला है और मैंने यहाँ पे 2 चुटकी हींग डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो 3 हरी मिर्च ली थी वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अगर आप व्रत में हींग खाते हैं तो ही आप इसमें यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो आलू लिए थे उसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून और धनिया डाला था और नमक डाला था जो कि मैं वो मिस हो गया है, तो आप ये ऐड कर लें। मैंने बाहर निकाल लिया है, इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। इसके बाद मैं इसका बना रही हूँ बैटर। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं 5 से 6 सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ। आप कूटू का आटा नहीं लेना, आप इसमें राजगिरी का आटा यूज़ कर सकते हैं। वैसे सिंघाड़े का आटा लेना, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स किए दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाएं। अच्छे से इसे मिक्स करना है, लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक थिक बैटर बना लेंगे। बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है बनाने के लिए, आप देख सकते हैं सेम इसी तरह का चाहिए होगा। और तब तक हमारे आलू भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसकी लोई बना रही हूँ, 1 नींबू के बराबर मैं ले रही हूँ और मैं इसकी लोई बना लूँगी। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे सारी लोइयों को। लोइयां बनके बिल्कुल तैयार हो गई हैं और हमारा बैटर भी 2 मिनट के लिए मैंने साइड में रख दिया था। अब मैं देखिए क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे डाली है एक बॉल, मैं इसमें इसे अच्छे से डुबो ले रही हूँ, फिर मैं इसको करूँगी अब फ्राई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है पहले से, जो कि मैंने गरम होने रख दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारी बॉल्स, अच्छे से डाल देंगे। अगर आप हाथ से डाल सकते हैं तो आप हाथ से डालना, नहीं तो आप चम्मच से हेल्प से डाल सकते हैं। मुझे चम्मच की हेल्प से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी चम्मच से, तो इसलिए मैं अब हाथ से मतलब डाल रही हूँ, हाथ से डालूँगी, इससे ना अच्छे से डल जाती हैं, टूटने का भी डर नहीं रहता है। चम्मच से फूटने का डर रहता है इसका, तो मैंने यहाँ पे हाथ का यूज़ करा है। इसे अच्छे से डाल देंगे सारी बॉल्स को। मैंने यहाँ पे सारी बॉल्स को एक साथ डाल दिया है। अब मैं इसमें घी थोड़ा सा उछाल उछाल के इनको अच्छे से सेक लूंगी। अगर आप ज्यादा ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने स्टैंड में भी इसे बना सकते हैं।
बॉन्डे बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। देखिए अब कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई और करेंगे। बिल्कुल कम समय लेते हैं, 10 मिनट में बन जाते हैं। इतना तो मुझे टाइम भी नहीं लगा, मेरा वीडियो भी इतना लॉन्ग नहीं है, बहुत ही कम समय में बन जाए तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं हमारे तो प्लीज़ हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं।